बहुत समय पहले की बात है, दो बहनें जूही और जानवी अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। जूही बहुत सुंदर थी मगर जानवी की आंखों की पलकें नहीं थी, जिसकी वजह से जानवी थोड़ी अजीब लगती थी। जूही हमेशा जानवी पर हंसती थी। जानवी, तूने कभी खुद को आईने में नहीं देखा? तो बिल्कुल चुड़ैल लगती है, बिना पलकों वाली चुड़ैल। दीदी, आप तो मेरी बहन हो, फिर आप मेरा इतना मजाक क्यों उड़ाती हो? अगर मेरी पलकें नहीं हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती है कि तू मेरी बहन बनकर आई है। मैं इतनी सुंदर हूँ, तू चुड़ैल जैसी दिखने वाली लड़की, तुझे तो चुड़ैलों की मंडली में होना चाहिए था। जूही की यह सब बातें सुनकर जानवी को बहुत दुख होता है। जानवी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप मुझे सच सच बताना, क्या मैं आपकी सगी बेटी हूँ? हाँ बेटा, तुम मेरी सगी औलाद हो, मगर तुम आज ये सवाल क्यों पूछ रही हो? माँ, दीदी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, अपने साथ स्कूल भी नहीं ले जाती और अपने दोस्तों में मुझे अपनी बहन भी नहीं बताती है। माँ, मेरी पलके क्यों नहीं है? लगता है बेटा, आज तुम्हें सच बताना पड़ेगा। जानवी बेटा, बहुत समय पहले की बात है, जब तक तुम इस दुनिया में नहीं आई थी, तुम्हारे पिताजी गांव के बाहर जो जंगल है वहां लकड़ियां काटने जाते थे। तुम्हारे पिताजी को वहां एक दिन चुड़ैल रानी मिलती है। वो चुड़ैल तुम्हारे पिताजी को पसंद करने लगी थी। चुड़ैल तुम्हारे पिताजी से शादी भी करना चाहती थी, मगर उन्होंने चुड़ैल से शादी करने से मना कर दिया। माँ, फिर क्या हुआ? होना क्या था बेटा, चुड़ैल को इस बात पर गुस्सा आ गया और उस चुड़ैल ने तुम्हारे पिताजी को श्राप दे दिया। तुम मेरे से इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं ना कि मैं बदसूरत दिखती हूँ? अब देखना तुम्हारी आने वाली संतान की सूरत भी बहुत भयानक होगी, तुम मेरे श्राप से बच नहीं सकते। माँ, मेरी पलके इसलिए नहीं है कि पिताजी को चुड़ैल ने श्राप दिया था? हाँ बेटा, और ये श्राप कैसे हटेगा ये तुम्हें तुम्हारे पिताजी ही तुम्हें बता सकते हैं। जानवी यह बात जानकर बहुत दुखी होती है कि उसे एक श्राप मिला हुआ है, जिसकी वजह से जानवी की आंखों पर पलके नहीं है। जानवी अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे माँ ने सारा सच बता दिया है कि कैसे उस चुड़ैल रानी ने आपको श्राप दिया था। क्या अब ये श्राप हट नहीं सकता? पिताजी, मैं भी एक सुंदर लड़की बनकर अपना जीवन जीना चाहती हूँ। बेटा, मैं एक दिन उस चुड़ैल के पास गया था, जब मैंने देखा कि उसकी कही बात सच हो गई, चुड़ैल ने श्राप हटाने से मना कर दिया। उसने मेरे सामने एक शर्त रख दी, वह तुम्हारी बड़ी बहन की बलि लेना चाहती थी। उसके बाद वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सुंदर चुड़ैल बन जाती और तुम्हारा श्राप भी हट जाता, लेकिन मैंने जूही की बलि देने से मना कर दिया। बस पिताजी, अब मैं उस चुड़ैल के पास जाऊंगी और श्राप से मुक्त होकर आऊंगी। नहीं बेटा, वो चुड़ैल बहुत ताकतवर है, वो तुम्हें मार डालेगी। जानवी अपने पिताजी की बात नहीं सुनती और जानवी उसी जंगल में चली जाती है जहाँ वह चुड़ैल रहती थी। ओ चुड़ैल रानी, कहाँ छुप कर बैठी हो? जरा मेरे सामने तो आओ, मैं तुमसे नहीं डरने वाली। तभी चुड़ैल जानवी के सामने आ जाती है। अरे जानवी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारे पिताजी को मुझसे शादी न करने की सजा भी मिल जाएगी। नहीं चुड़ैल रानी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम मुझे नहीं मारोगी। कृपया करके मेरे पिताजी का पीछा छोड़ दो और जो तुमने मेरे पिताजी को श्राप दिया था उससे मुझे मुक्त कर दो। सब मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, कोई मेरे से दोस्ती नहीं करता। कृपया करके चुड़ैल रानी, इस श्राप से मुझे मुक्ति दे दो। जानवी की यह बातें सुनकर चुड़ैल को दया आ जाती है। चुड़ैल जानवी से कहती है, ठीक है लड़की, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगी, मगर तुम्हारी पलके मेरे पास नहीं है। तुम्हारी पलके एक घने जंगल में जादुई पेड़ के पास हैं, लेकिन उस रास्ते में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी। जानवी वह पलके लेने के लिए निकल जाती है। जानवी को रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जानवी उन सभी कठिनाइयों को पार करके उस जादुई पेड़ तक पहुंच जाती है। जानवी उस पेड़ से कहती है, ए जादुई पेड़, मुझे यहाँ चुड़ैल रानी ने भेजा है, मुझे मेरी पलके चाहिए।
तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम्हें तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, मुझे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज को तुम पाना चाहो तो कठिनाइयां भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम मुझे जादुई पलके दे दो। तभी पेड़ अपने ऊपर लगी बहुत सारी पलकों में से जाह्नवी को पलक दे देता है, जिन्हें लगाकर जाह्नवी एक बहुत सुंदर लड़की में बदल जाती है। जाह्नवी यह सब देखकर बहुत खुश होती है। जाह्नवी पेड़ को धन्यवाद भी कहती है। जाह्नवी घर वापस आ जाती है। जाह्नवी इतनी सुंदर होती है कि जाह्नवी को देखकर जूही आग बबूला हो जाती है। जाह्नवी अपने माता पिता को सब बात बता देती है कि किस तरह से चुड़ैल ने उसका शाप मुक्त किया। पिताजी, अब वह चुड़ैल आपको कभी परेशान नहीं करेगी। जाह्नवी के माता पिता बहुत खुश होते हैं कि अब जाह्नवी इतनी सुंदर लड़की बन गई। मगर जूही जाह्नवी से और भी ज्यादा जलने लगी कि वह उससे ज्यादा सुंदर क्यों हो गई। जाह्नवी एक दिन जूही से कहती है, दीदी, पहले तो आप मेरी बदसूरती से नफरत करती थी, लेकिन आज तो मैं आप जैसी हूँ, फिर आप मेरे से क्यों नफरत करती हो? मैं तो आपसे इतना प्यार करती हूँ, आप भी मुझे प्यार की नजर से देख लिया करो। जाह्नवी की यह बातें इतनी मीठी थी कि जाह्नवी के शब्दों ने जूही का मन ही बदल दिया। जूही को उसके किए का पछतावा हो जाता है। जूही जाह्नवी से माफी मांगती है और जाह्नवी को गले लगा लेती है। अब दोनों बहनें एक साथ बहुत खुशी खुशी रहती थीं।